जीएस स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीएल चौधरी आज आपको प्लानिंग कमीशन लेकर आया हूं, जो योजना आयोग से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैं उसी प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो परीक्षा में आएगा, उसके सिवा मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा। बस वही बात बताऊंगा जो जो परीक्षा में आ चुका है या आने की संभावना है। देखिए, कंपटीशन के लिए जरूरी है कि जो प्रश्न आ चुके हैं या तो वो आएगा या जो आने की संभावना है वो आएगा, बाकी आएगा कहाँ से। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं योजना आयोग की, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ध्यान दीजिए, जो यहाँ से प्रश्न बनता है, सबसे पहले 1944 में मुंबई के आठ उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई थी जिसका नाम था टाटा बिड़ला प्लान। आगे चलकर देखिए प्रश्न बनता है कि सर्योदय योजना की शुरुआत किसने किया, तो सर्योदय योजना की शुरुआत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण ने किया। अगला जो आपका प्रश्न बनता है कि गांधी प्लान किसने प्रारंभ किया था, गांधी योजना, तो गांधी योजना की शुरुआत श्रीमन नारायण ने किया था। अब आगे हम बात करेंगे योजना आयोग की कैसे शुरुआत हुई। देखिए, 1946 में केसी नियोगी का गठन किया गया, उसी की बात करेंगे जो परीक्षा में आएगा। केसी नियोगी समिति के सुझाव पर मंत्रिमंडल द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझिएगा, केसी नियोगी समिति के सुझाव पर मंत्रिमंडल द्वारा गैर संवैधानिक परामर्शदात्री सलाहकारी संस्था के रूप में योजना आयोग का निर्माण हुआ। बात को समझिए, 1950 में इसका गठन हुआ, 1950 में। तो कभी, क्योंकि योजना आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है, ये मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे गैर संवैधानिक परामर्शदात्री सलाहकारी और ये गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे जो प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो प्रश्न बनेगा, यहां से दो तीन प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न, ये किस मॉडल पे आधारित था, तो डोमर मॉडल पे आधारित था। इसका लक्ष्य क्या था, तो कृषि का विकास। इसी के तहत भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीरा कुंड नदी परियोजना की शुरुआत हुई। देखिए, यहाँ पे ये चार प्रश्न आपके सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या, किस मॉडल पे आधारित था, तो हैरट डोमर मॉडल। इसका लक्ष्य क्या था, कृषि का विकास। ये भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीरा कुंड नदी परियोजना की शुरुआत किस योजना में हुई, तो प्रथम। वही बात हो रही है जो परीक्षा में आता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास था। इसी के तहत, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ध्यान दीजिए, सारे प्रश्न आपके सामने बोर्ड में लिख दे रहा हूं। प्रथम पंचवर्षीय डोमर मॉडल पर आधारित था, कृषि का विकास था, भाखड़ा नागल दमोदर घाटी हीराकुंड नदी परियोजना की शुरुआत, बेरिंग पॉटन। सन नहीं पूछता इसलिए मैं सन नहीं लिख रहा हूं, जो सन पूछेगा मैं बाद में बता दूंगा। दूसरे में क्या है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित औद्योगिक विकास इसका लक्ष्य था, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये दोनों प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड फाइव ईयर प्लान, जरा ध्यान दीजिए। इसमें दो विशेषताएं हैं जो परीक्षा में आता है। पहला, यह निराशाजनक योजना थी, निराशाजनक योजना थी। पूछा जाए कि निराशाजनक योजना कौन थी, तो थर्ड फाइव ईयर प्लान पूछा जाए। क्यों? तो इस समय सूखा पड़ गया था और भारत चीन युद्ध हो गया था, इसलिए यह निराशाजनक योजना थी। जो लक्ष्य रखा गया था उससे कम प्राप्ति हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना से मात्र एक प्रश्न बनता है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पांचवी का ध्यान दीजिए, यहां से भी एक प्रश्न बनते हैं, मैं बिल्कुल क्रीम मैटर छांट कर आपको दे दे रहा हूं, एकदम अमृत जो परीक्षा में आएगा। अब इसमें गरीबी निवारण का लक्ष्य रखा गया, गरीबी निवारण का लक्ष्य। और देखिए, छठवीं में एक प्रश्न पूछता है कि इंदिरा गांधी ने किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो वो छठवीं में दिया। और यदि ऑप्शन में छठवीं नहीं है तो आप पांचवी भी लगा दे सकते हैं, ये दोनों में से एक का होना जरूरी है, दोनों कभी नहीं देगा। और दोनों दे तो आप छठवीं लगाइएगा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सातवीं में कोई प्रश्न आज तक नहीं बना है, ना बनने की संभावना है। आठवीं में एक प्रश्न कई बार पूछा है कि मानव विकास का लक्ष्य, इसे सब बच्चों नोट कर लीजिएगा जो एकदम छांट करके मैं लिखा दे रहा हूं, मानव विकास का लक्ष्य किस योजना में रखा गया, तो मानव विकास का लक्ष्य आठवीं में रखा गया। नौवीं दसवीं से भी प्रश्न नहीं बनते हैं। अगला जो प्रश्न बनेगा ग्यारहवीं से कि तीव्र समावेशी विकास का लक्ष्य किस योजना में रखा गया, तो तीव्र समावेशी विकास का लक्ष्य ग्यारहवीं में रखा गया। अगला जो प्रश्न बनेगा कि बताइए तीव्र समावेशी के साथ पोषणी विकास का लक्ष्य किस में रखा गया, तो तीव्र समावेशी के साथ पोषणी विकास का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। इसी योजना का नाम बदलकर आगे चलकर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका नाम बदल कर रख दिया गया नीति आयोग। अब देखिए इसके फैक्ट पे चर्चा कर लें। पूछा जाए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग के संस्थापक कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, मान लो प्रश्न बना दे, तो नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार हैं। ये तीन चीजों को आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी प्रश्न बनेगा आपका यहीं से बनेगा। ये छोटा टॉपिक था, मैं अगली वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। इसे पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।